तो दोस्तों आइए अब जानकारी ले लेते हैं। ये है C220 CDI मर्सिडीज बेंच, जो आप सबका ड्रीम कार है। लेकिन ये कार क्यों यह आई है, मतलब ये बताइए, अरे कार कहाँ की है जी? सबसे पहले तो ये कार जो है वो कोलकाता का ही कस्टमर है और आप ही का कस्टमर है, क्योंकि यूट्यूब देख के आए हैं कस्टमर। और ये एक सबसे अच्छी बात है कि कस्टमर जो है वो सर्विस सेंटर घूम के आए हैं। अच्छा, सर्विस सेंटर घूम के आए, वो सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस लेके हम लोगों के पास आए थे। ECM का फुल फॉर्म क्या है? ECM का फुल फॉर्म है आपका इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। ओके, तो इसका जो ECM है वो मतलब ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, इसका स्टार्ट नहीं होता। बेसिक इसका प्रॉब्लम है, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो मतलब ये इंजन का ही प्रॉब्लम है। अच्छा, तो इसी का वर्क चल रहा है। इसका जो भी अंदर का पार्ट है वो पहले खुला हुआ था, वो कुछ रिपेयर में गए हुए हैं, कुछ काम चल रहा है। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते, कैसी है आप? बहुत अच्छा, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ जी। मैम बहुत सारे नया दोस्त देख रहे हैं, पहले यहाँ का लोकेशन अच्छे से समझा दीजिए जी। यहाँ का लोकेशन है, आप लोगों को वैसे भी पुराने व्यूअर्स को पता ही है, और नए व्यूअर्स के लिए आप 13 नंबर आरूपोता आपका बोध साला इसको कहते हैं धापा, और पिन कोड है आपका 700105। इसका डायरेक्शन है, अगर आप गोरिया टूवर्स होके आ रहे हैं तो आप JW मैरियट से राइट यू टर्न कीजिएगा, उसके बाद आपका लेफ्ट में एक रास्ता मिलेगा जहाँ मेट्रो का काम चल रहा है, वहीं से बस 2 मिनट। और अगर आप सॉडलेक से आ रहे हैं तो आप JW मैरियट का क्रॉसिंग क्रॉस करते ही आपको एक बाया में रास्ता मिलेगा, वहीं से आपका 2 मिनट लगेगा। और वैसे भी आप गूगल में अगर दे देंगे ऑटोमेटिक मोटोकार प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ का लोकेशन गूगल में भी आ जाएगा। वेरी गुड मैम, आज क्या क्या कार दिखाइएगा वो बताइए, क्या क्या काम है उसमें? आज फिलहाल दिखाएंगे आपको मर्सिडीज। अच्छा, मर्सिडीज, मर्सिडीज दिखाएंगे। एक सर्विस सेंटर घूम के आया मर्सिडीज। अच्छा, अच्छा। और एक कस्टमर रिपीट कस्टमर है, वो गाड़ी देके बाहर चले गए थे घूमने, फिलहाल उनका काम चल रहा है। तो दोनों मर्सिडीज सेम ही, उसका मॉडल सेम ही है। अच्छा, खाली उसका वर्क अलग अलग है, वही आपको दिखाएंगे। वेरी गुड, तो ठीक है शुरू किया जाए जी। बिल्कुल, चलिए दोस्तों शुरू किया जाए। तो दोस्तों आइए अब जानकारी ले लेते हैं। ये है C220 CDI मर्सिडीज बेंच, जो आप सबका ड्रीम कार है। लेकिन ये कार क्यों यह आई है, मतलब ये बताइए, अरे कार कहाँ की है जी? सबसे पहले तो ये कार जो है वो कोलकाता का ही कस्टमर है और आप ही का कस्टमर है, क्योंकि यूट्यूब देख के आए हैं कस्टमर। और ये एक सबसे अच्छी बात है कि कस्टमर जो है वो सर्विस सेंटर घूम के आए हैं। अच्छा, सर्विस सेंटर घूम के आए, वो सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस लेके हम लोगों के पास आए थे। तो कस्टमर को हम लोग कोटेशन दिए, कस्टमर कोटेशन से बहुत खुश थे, और कस्टमर हम लोगों को गाड़ी काम करने के लिए परमिशन भी दिए हैं। और ये आज के लिए एक मिस्ट्रीज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे कि इसका क्या क्या काम हुआ है, सर्विस सेंटर कितना रेंज, मतलब कितना इनवॉइस बनाए थे। अच्छा, और हम लोग इनका कितना इनवॉइस बनाए हैं। अच्छा, तो वो एक बहुत ज्यादा आप लोगों को अच्छा लगेगा कि अच्छा, ऐसा गाड़ी अगर जिसके पास है वो अगर डर रहे हैं काम करने के लिए, तो प्राइस सुनिए और डरिए मत, गाड़ी लेके आइए हमारे पास। क्या बात है, ठीक है, एक एक करके जानकारी ले लेते हैं तब जी। बिल्कुल, जो इम्पोर्टेंट काम हुआ है वो इसका अलाइनिंग जो है। अच्छा, वो डैमेज हुआ था, डैमेज हो गया। डैमेज इसलिए होते हैं कि जैसे ये तो प्रीमियम कार है। हाँ, और कस्टमर जो है बहुत एक्साइटमेंट होकर चलाते हैं, कुछ भी प्रीमियम कार का एक होता है। हाँ, उसका एक अलग से जोश होते हैं, तो ये जब हो सकता है किसी गड्ढे में या डैम किसी में गिरा था गाड़ी, तो अलाइनिंग जो है इसका पूरा ही डैमेज हो गया था। ठीक है, तो हम लोगों ने अलाइनिंग जो है चेंज किए हैं। चेंज किया, ओके। हम लोग इससे पहले हर वीडियो में बोलते थे कि सर्विस सेंटर चेंज करते हैं, लेकिन हम लोग रिपेयर करते हैं, रिपेयर में, लेकिन हम लोग भी चेंज किए हैं, लेकिन उसका प्राइस और सर्विस सेंटर का जो प्राइस है वो डिफरेंस होगा। अच्छा, और दूसरी बात है जो अलाइनिंग जो डैम जो लगाए हम लोग चेंज किए हैं, उसका पेंटिंग भी हम लोग किए हैं। अच्छा, फुल पेंट किए? हाँ, फुल पेंट किए हैं। वेरी गुड, यानी कि हर टाइप के अलर्टिंग अगर कोई चाहता है कि भाई मैं पेंट कराऊं तो पेंट करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो करा सकते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट क्या काम हुआ है? नेक्स्ट काम हुआ है इसका ब्रेक। ब्रेक, अच्छा। ब्रेक तो एक गाड़ी का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, बहुत ज्यादा, मतलब ब्रेक के ऊपर गाड़ी का हर एक चीज
वो डिपेंड जान भी ब्रेक का ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो इसका ब्रेक जो है वो बहुत ही खराब हाल में थे, तो इसका ब्रेक हम लोगों ने चेंज कर दिया, ब्रेक पैड जो है चेंज हुआ है। अच्छा। और ब्रेक का जो कैलिपर है उसको हम लोग रिपेयर किए हैं लेथ वर्क करके, लेथ में रिपेयर। जी जी, उसका लेथ वर्क करके रिपेयरिंग हुआ है और इसका ब्रेक पैड हम लोग चेंज किए हैं। ओके, ठीक है, ब्रेक पैड फुल चेंज किए हैं। नेक्स्ट क्या काम है? नेक्स्ट इसका कस्टमर रिक्वायरमेंट था कि इसका रेयर साइड का जो टायर है वो हम लोग चेंज करें, यानी कि जो गड्ढा में गिर गया था वही टायर चेंज। तो इसीलिए उसका टायर दो रेयर साइड का दो टायर जो है हम लोग चेंज किए हैं। अच्छा, ओके। और चेंज करके इसका जो भी काम है थोड़ा बहुत वो सब कर दिए हम लोग, कर दिया। वेरी गुड। यानी कि रेयर साइड का जो रिम का जो डिस्टर्ब हो गया था उसका तो काम हुआ ही जी, साथ में जो टायर है उसको भी चेंज किया गया। हाँ, क्योंकि ये होता है कि इसका अलाइनिंग जो डैमेज हुआ ना, तो इससे गाड़ी जो है वो टल खाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, और ये डिसबैलेंस होना रास्ते में चलने के लिए बहुत दिक्कत होता है। तो वही सब इसका काम था, ज्यादा काम नहीं था। अच्छा। लेकिन अब इसका चमक ये है कि कस्टमर को सर्विस सेंटर ने प्राइस दिया था 1,05,000। 1,05,000? हाँ, अब गेस कीजिए कि हम लोग कितना कम कर सकते हैं। और ये सही भी है, ताकि ये जो लोगो है ना, इसका सर्विस सेंटर में जाओगे तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बिल वो लोग भेज देता है, तो कस्टमर लोग परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल, जिसके पास मर्सिडीज है। हाँ। अभी क्या होता है, बहुत सारे जैसे कि फोन अपडेट होते हैं तो गाड़ी भी अपडेट हो रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो सेकेंड हैंड गाड़ी भी बहुत सारे खरीदते हैं। हाँ, हाँ, खरीदने हाँ। के बाद हो सकता है ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। हाँ। तो सर्विस सेंटर बहुत सारा ह्यूज अमाउंट देके रखे हुए हैं, हो सकता है ऐसा कुछ कस्टमर है जो गाड़ी रखा हुआ है, काम कराना चाहते हैं। ठीक, ठीक, ठीक। तो प्राइस सुनिए, और प्लीज आप लोग ऐसा गाड़ी है तो यहाँ पे लेके आइए, हम लोग आराम से आपका जो भी दिक्कत है, जो भी गाड़ी का प्रॉब्लम है सॉल्व कर देंगे। और हम लोगों ने इसका प्राइस दिया है इनवॉइस ओनली 35,000। 35,000? बिल्कुल, 1,05,000 से डायरेक्ट एकदम। दोस्तों सोचिए, जरा सोचिए, कहाँ 35,000, कहाँ 1,05,000। तो दोनों में अंतर सोचिए। इसीलिए कहता हूँ कि कोई भी कस्टमर जब एक बार सर्विस सेंटर में घुस जाते हैं ना, उन लोगों का भी गलती नहीं है, ताकि उन लोग ज्यादातर चीज चेंज, ये जो आप कैलिपर जो बनाया है लेथ से, वो लोग तो चेंज कर देंगे। वहाँ पे तो रिपेयर का कोई आपका कोई बात ही नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं सुनते हैं। मैंने पर्सनली विजिट भी किया है, बहुत सारे कस्टमर का साथ बात भी किया, मर्सिडीज का वर्कशॉप का एक्सपर्ट मैकेनिक का साथ भी हम लोग बात किया है। वो लोग यही कहते हैं कि भाई हम लोगों का ऑर्डर तो यही है, तो इसीलिए ऐसे काम करता हूँ। तो ठीक है, और कुछ काम है क्या इसका? कितना दिन टाइम लगाइए? ये ज्यादा दिन नहीं है इसका, आपका 5-6 दिन लगे। 5-6 दिन जी, 5-6 डेज का अंदर ये काम कंप्लीट होके एकदम बन गया है। अब डिलीवरी कब है इसका? डिलीवरी है कस्टमर, जैसे कि आप आने वाले थे। अच्छा, अच्छा। तो हम लोग इसको दिखाने के लिए रखे हुए अच्छा, हैं, बाकी है। ये डिलीवर हो जाएगा, कल डिलीवर हो जाएगा। जी जी, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपका भी कोई भी अगर प्रीमियम कार्ड हो, नॉन प्रीमियम कार्ड हो, या फिर सुपर प्रीमियम कार्ड हो, आप सर्विस सेंटर में घूम रहे हो या फिर इधर उधर जा रहे हो, कोई वर्कशॉप में लेके जा रहे हो, उधर आपको एस्टिमेट पसंद नहीं हो रहा है, और एस्टिमेट से भी बढ़िया बड़ी बात तो ये है कि भाई एक्सपर्ट मैकेनिक, एक्सपर्ट मैकेनिक अगर ना हो तो बहुत प्रॉब्लम हो, बहुत प्रॉब्लम। तो इसीलिए कह रहा हूँ, स्क्रीन पर जो दिया हुआ नंबर है ये ऑटोमेटिक की नंबर है, आप फटाफट कॉल कीजिए, अभी बात कीजिए मैडम से, और आप अपना कार को इधर लेके आइए, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करके फिर से ले जाइए, एंजॉय कीजिए। दोस्तों ये भी सेम मॉडल है, C220 CDI मर्सिडीज बेंच, आप देख सकते हो, लेकिन कलर अलग है, इसका प्रॉब्लम भी अलग होगी। हाँ। बताइए प्रॉब्लम क्या है इसका? ये सेम ही गाड़ी है। अच्छा, मॉडल सेम ही है। ये कस्टमर जो है गाड़ी रख के कहीं बाहर घूमने गए थे। ओके ओके। हाँ, वो गाड़ी देके चले गए थे। अच्छा, बाकी इसका काम अभी रनिंग चल रहा है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है इसका? हाँ, इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका ECM का प्रॉब्लम है। ECM बोले तो ECM का फुल फॉर्म क्या है? ECM का फुल फॉर्म है आपका इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। ओके, तो इसका जो ECM है वो मतलब ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, इसका स्टार्ट नहीं होता, बेसिक इसका प्रॉब्लम है, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो मतलब ये इंजन का ही प्रॉब्लम है। अच्छा। तो इसी का वर्क चल रहा है, इसका जो भी अंदर का पार्ट है वो पहले खुला हुआ था, वो कुछ रिपेयर में गए हुए हैं, कुछ काम चल रहा है, बाकी आप शूटिंग के लिए हम लोग लगाए हैं ऐसे, तो ये इसका वही स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, यही काम चल रहा है इसका। अच्छा मैम, कितना दिन टाइम लगेगा इसका? ECM का इंजन का थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा। जैसे कि आप 10 दिन के आसपास ये लगेगा। 10 दिन लगेगा। जी जी जी। अच्छा। क्योंकि इंजन का बात है ना, तो वहाँ का कौन सा पार्ट्स क्या है नहीं है, फिर उसका रिपेयर के लिए लेथ वर्क भी होता है। तो ये सब के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है। ठीक है। अब ये बताइए, ये कार क्या सर्विस सेंटर में गई थी या फिर डायरेक्टली इधर आई? ये हमारे पुराना कस्टमर है। ओके ओके। ठीक है, तो वही कस्टमर वो गाड़ी देखे आराम से चले गए घूमने। ठीक है, उसके बाद फिर वो आए, फिर बोले काम स्टार्ट कीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट किए काम। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही था।
अब सबको दिखाया, दो दो मर्सिडीज बेंच हम लोग दिखाया, हालांकि एक ही मॉडल है C220 CDI, बहुत ही एक्सक्लूसिव मॉडल है, बहुत पॉपुलर मॉडल है। काफी सारे दोस्त ऐसे हैं जिनका पास ये कार है, आप लोग इस्तेमाल भी कर रहे हो, लेकिन वो कार प्रॉब्लम हो जाने के बाद हम लोग सर्विस सेंटर में जाते हैं और आपको सुनाया भी सर्विस सेंटर से कितना कोटेशन दिया है और ऑटोमेटिक कितना कोटेशन में काम किया है, कस्टमर भी सेटिस्फाई है। देखिए स्क्रीन पर जो दिया हुआ नंबर है ये ऑटोमेटिक की नंबर है, आप बेफिकर, आपका पास अगर प्रीमियम कार्ड है, नॉन प्रीमियम कार्ड है या फिर सुपर प्रीमियम कार्ड है, आप इधर लेके आइए, प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर लेके जाइए, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इनका नाम नंबर लोकेशन सब कुछ दिया हुआ है, आप अपना टाइम के हिसाब से कॉन्टेक्ट कीजिएगा। मैडम व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज? हाँ, व्यूअर्स के लिए एक ही मैसेज है, मैं बार बार ही बोलती हूँ कि आपके पास अगर कोई भी गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है और आप सर्विस सेंटर में बार बार चक्कर लगा रहे हैं, तो आप बेझिझक अपना गाड़ी यहाँ पे लेके आइए। हम लोग बहुत ही चीप एंड बेस्ट जो सर्विस होते हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों का यही अभी मोटिव है कि हम लोग अच्छा काम करें और आगे बढ़े, ठीक है, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोग भी आगे बढ़ेंगे। हाँ। तो इंडिया ट्यूब के द्वारा मेरा यही, आप सभी को यही मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कार लेके उसको फेंक के मत रखिए, क्योंकि कार जो है बहुत लोग चाहते हैं गाड़ी में चढ़ना लेकिन हाँ। चढ़ नहीं पाते, तो जिनके पास है वो अपना गाड़ी वेस्ट ना करे, कार लेके आए और हम लोग अच्छे से काम कर देंगे, फिर आप अपना कार जो है वो एंजॉय कीजिए और इंडिया ट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा कस्टमर हम लोगों के पास आज के डेट तक बहुत सारा कस्टमर आए हैं और कस्टमर आके सेटिस्फाइड होके गए हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हम लोगों के वीडियो देखिए और आप लोग क्या जानना चाहते हैं या फिर आप लोगों का क्या रिक्वायरमेंट है आप कमेंट कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, हम लोगों से बात करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए, जो भी आपका रिक्वायरमेंट आप कीजिए, हम लोग आपके जो भी डिमांड्स है वो पूरा करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। तो वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर बाइक चला रहे हो तो हेलमेट को जरूर इस्तेमाल करें, या फिर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो सीट बेल्ट को इस्तेमाल करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद।